चलिए इस बीच चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। कानपुर से बीजेपी विधायक राहुल सोनकर का नाम मतदाता सूची से कट गया है। राहुल सोनकर की पत्नी का नाम भी सूची से कटा हुआ मिला है। वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से मतदान से वंचित रहे। बिलौर विधानसभा से बीजेपी विधायक है राहुल सोनकर। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के विधायक का मतदाता सूची से नाम गायब मिला है। बीजेपी विधायक राहुल सोनकर के नाम मतदाता सूची से कटा, उनकी पत्नी का नाम भी मतदाता सूची में नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें वंचित होना पड़ा है वोट डालने से। इस तरह की दिक्कतें लगातार निकाय चुनाव में देखने को मिल रही हैं कि लगातार लोगों के वोट जो है वहां पर कटते हुए नजर आ रहे हैं, और इस पर कई बार लोगों ने एतराज भी जताया है। तो वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से मतदान से रहे वंचित। बिलहौर विधानसभा से बीजेपी विधायक है राहुल सोनकर बच्चा, राहुल सोनकर का आपको बताया। नीतीश पांडे हमारे साथ हमारे से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीतीश, पहले भी खामियां आ रही थी जो मतदाता सूची थी, बहुत सारे लोगों के शिकायत थी कि उनके नाम गायब है, अब बीजेपी के विधायक का ही नाम गायब मिला है। निश्चित तौर पे जेपी, और ये बड़ी समस्या सामने आई है। जितने अगर बात करें पिछले, अगर प्रथम चरण में बात करें तो प्रथम चरण में भी कई ऐसे लोग थे जो शिकायत करते हुए नजर आए कि हमारे साथ हमारे परिवार के नाम काट दिए गए। द्वितीय चरण में भी जो मतदान हो रहा है उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं, कई जगहों पर ऐसा कहा जा रहा है कि उनके नाम कट गए हैं। और एक बड़ी बांगी ये है कि बीजेपी के बिलौर विधानसभा के जो विधायक है राहुल सोनकर, उनका और उनकी पत्नी का नाम ही जो मतदाता सूची है उससे गायब है। ऐसी स्थिति में उनके परिवारजनों में आक्रोश है और विधायक समर्थक भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विधायक और विधायक की पत्नी ने अपना मतदान नहीं किया है, या यूं कहे तो मतदाता सूची में नाम न होने की वजह से मतदान नहीं कर पाए। अब देखना यह होगा कि आगे के समय में अगर मतदान की जो अगली प्रक्रिया है, अगली प्रक्रिया में अगर बात करें जो आगे के चुनाव है, तो उसमें इस कमी को सुधारा जाता है या फिर क्या होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ था, जब पूरी की पूरी प्रक्रिया को निभाया गया था, तो ऐसी स्थिति में ये नाम कैसे कटे, क्यों कटे, और जब जनप्रतिनिधियों की ये स्थिति है तो आम जनता क्या करे, सवाल ये उठता है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पांडे, हमारे सहयोग बता रहे। कानपुर से बीजेपी विधायक राहुल सोनकर का नाम मतदाता सूची से कटा, उनकी पत्नी का नाम भी आपको बता दें कि मतदाता सूची में नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें मतदान डालने से वंचित होना पड़ा, जिसकी वजह से आपको बता दें कि ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पहले भी इस तरह की शिकायतें आई हैं, पहले चरण के दौरान देखने को मिला, अब दूसरे चरण के अंदर भी इस तरह की शिकायतें देखने को मिल रही हैं।